जो तो ईशान थान करता है पंजाब कभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद आप सब लोग करते होंगे। हम बात कर रहे थे इतिहास में पाषाण काल के विषय में, इसमें हमने आपको इतिहास के विषय में और पाषाण काल के तीन भागों में पूरा पाषाण काल इन सभी के विषय में आपको बताया था, जिसकी जो प्लेलिस्ट है वो अगर आप सर्च करेंगे तो हिस्ट्री नाम से सेव है, उसमें आप जा करके पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसके तथ्य जिसकी जो जानकारी है वो अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। आइए हम देखते हैं आज मध्य पाषाण काल के विषय में। तो मध्य पाषाण काल को हम फलक संस्कृति अथवा फलक ब्लेड स्केपर संस्कृति इन दोनों नाम से जानते हैं, फलक संस्कृति अथवा फलक ब्लेड स्केपर संस्कृति। और इसको हम पाषाण काल कहते इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो औजार थे चीज़ें हैं वो आपके पत्थर से निर्मित थी। वो पत्थर कौन सा था? तो वो पत्थर आपका क्वार्टजाइट पत्थर हुआ करता था। और सर्वप्रथम जो मध्य पाषाण काल है, जो इसके जो चिन्ह हैं वो 1867 ईस्वी में आर्किबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल जिन्होंने खोज निकाला था विंध्य क्षेत्र से एक पेंटिंग से जिसके साक्ष्य इनको मिले थे। इसके पश्चात मध्य पाषाण काल जिस तरीके से अन्वेषण का कार्य है वो प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसकी खोज आर्किबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल इनके प्रयासों से शुरू होती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें औजार कैसे थे मध्य पाषाण काल में, तो हम तभी जानते हैं जो पूरा पाषाण काल थे उसके औजार काफ़ी बड़े थे, नुकीले कम थे, इसमें धारियाँ कम होती थी और कह सकते हैं उनका आकार काफ़ी बड़ा हो गया था। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल में तो औजार छोटे हो गए थे, जिसको हम माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। छोटे हो गए थे औजार और उनका आकार उनसे छोटा हो गया था। इसके अलावा इसमें धार काफ़ी अच्छी हो गई थी, ये सभी उसके औजारों की विशेषता थी। अगर हम बात करें मानव अस्थियों के साक्ष्य, ये आपके मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू होते हैं। मानव अस्थियों के साक्ष्य ये आपके मध्य पाषाण काल से शुरू होते हैं, पूरा पाषाण काल में आपके मानव से बने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें पशुपालन के साक्ष्य, तो पशुपालन के साक्ष्य भी आपके मध्य पाषाण काल से शुरू होते हैं, जहाँ पर आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है और बांगोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य, मानव अस्थि पंजे के साक्ष्य, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि मनुष्य खाते क्या थे उस समय, तो शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। इसके अलावा खाद्य संग्राहक वो जो विभिन्न जंगल में चीज़ें होती थी, फल होते थे, फूल होते थे, उनका जो है कि वो संग्रह करते थे, इसके पश्चात में उसको खाते थे। तो खाद्य संग्राहक की भूमिका मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा निभाई जा रही थी। अगर हम बात करें भीमबेटिका, तो हमने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल के विषय में, जहाँ पर हमें लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। भीमबेटिका में जो कि प्रागैतिहासिक काल का एक साक्ष्य है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। थैंक यू। ये रहे आपके मध्य पाषाण काल के लक्षण, स्थितियाँ कैसे क्या था, अन्वेषण कार्य किसने शुरू किया था और कैसे ये पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल भिन्न है, इस विषय में आपने जाना। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपसे नव पाषाण काल के विषय में। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए।